हेलो एवरीवन, इससे पहले के लेक्चर में हमने प्रोटोकॉर्डेट्स के सामान्य लक्षण और वर्गीकरण का थोड़ा पार्ट देखा था। ये वीडियो इसका कंटिन्यूएशन में है। लास्ट वीडियो में हमने जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन स्टडी किए थे प्रोटोकॉर्डेट के। जो फर्स्ट सब फाइलम था यानी कि हेमिकॉर्डेटा, उसका नाउ इस लेक्चर में हम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर का हमारा या आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो सबसे पहले हम प्रोटोकॉर्डेटो का जो सेकंड सब फाइलम है जिसको हम कहते हैं यूरोकॉर्डेटा, इसको लेंगे और इसके सामान्य लक्षण देखेंगे। तो यूरोकॉर्डेटा को हम जनरली ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। और दूसरा नाम जो यूरोकॉर्डेटा का वो क्या है, टेल कॉर्डेट। इसको टेल कॉर्डेट इसलिए कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन द लार्वा ऑफ टेल, यानी कि जो इसका लार्वा है उसकी जो टेल है, पूंछ है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। दूसरा, मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द कॉर्डेट्स, ये जितने भी कॉर्डेट जंतु हैं, कॉर्डेट मतलब हम टोटल कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए एक सवाल कि सबसे प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कौन से हैं, तो वो कौन है, यूरोकॉर्डेटा। इसके हैबिटेट कैसा है, दे आर ससाइल, ये स्थानबद्ध प्राणी हैं। और भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, फिल्टर फीडिंग के द्वारा। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था किस तरह से ये पानी में से अपने फूड को छान के ग्रहण करते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फिल्टर फीडर्स। सेकेंडली, इनको हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो एक लेदर जैसे शीत से कवर की हुई होती है, ढकी हुई होती है, जो कि किससे बना होता है, एक ट्यूनिसिन नाम के कंपाउंड को, जो कि जिसका कंपोजिशन क्या है, एक सेल्यूलोस है, वो एक प्रकार का सेल्यूलोस है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटा। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग यूरोकॉर्डेट में ये है कि इसमें क्या पाया जाता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, कायांतरण। जिस तरह की लार्वल फॉर्म्स वयस्क में चेंज होते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इंटू एडल्ट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और जनरली नेचर में या सभी जंतुओं में मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार का होता है, प्रोग्रेसिव, यानी कि लार्वल फॉर्म्स में जो कैरेक्टर या लक्षण होते हैं वो लेस डेवलप होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसमें नए कैरेक्टर ऐड होते जाते हैं वो वयस्क बनता है, वो एडवांस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर केस क्या है, उल्टा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि इसके जो लार्वा है उसकी टेल में क्या मिल रहा था, नोटोकॉर्ड पाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही लार्वा एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है या मेटामॉर्फोसिस होके एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ये नोटोकॉर्ड क्या हो जाता है, उसके अंदर से डिसअपियर हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन इट्स टेल, टेल ओनली, इसके लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के आधार पर हम इसको किस में डालते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स में, या हम इसको क्या कहते हैं, कॉर्डेट जंतु। नेक्स्ट जो ये है, इसका बॉडी की संरचना कैसी है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, इनकी जो गट है उसका शेप कैसा है, यू शेप्ड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर जो सीलोम है वो क्या है, एब्सेंट है। हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। श्वसन रेस्पिरेशन इसके अंदर गिल्स के द्वारा होता है। इनका जो परिसंचरण तंत्र या जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, वो कैसा है, इनकम्प्लीटली क्लोज, यानी कि न तो पूरी तरह से बंद है न ही पूरी तरह से ये खुला हुआ है। ब्लड के अंदर हीमोसाइनिन पिगमेंट पाई जाती है, जैसे हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इनकी ब्लड के अंदर हीमोसाइनिन पिगमेंट पाई जाती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन या उत्सर्जन अंग इसके अंदर अनुपस्थित होता है। और रिप्रोडक्शन या जनन कैसे करते हैं, एसेक्सुअली बाय बडिंग। इसका जो मेन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है, हार्डमानिया एंड सल्पा। अब आउटलाइन क्लासिफिकेशन अगर हम देखें यूरोकॉर्डेटा का, तो आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को हम डिवाइड कर रहे हैं थ्री क्लासेस में, जिसमें सबसे पहले है एसीडीएसी, जिसके फर्दर दो ऑर्डर्स हैं, एंट्रोगोना, और दूसरा ऑर्डर है प्लूरोगोना। सेकेंड क्लास है इसकी थेलियसी, जिसके तीन ऑर्डर से, फर्स्ट है पायरोसोमिडा, सेकेंड है डोलियोलिडा, और थर्ड है सल्पिडा। थर्ड क्लास है इसकी लार्वेसी, जिसके दो ऑर्डर हैं, एंडोस्टाइलोफोरा और पोलीस्टाइलोफोरा।
सबसे पहली क्लास है इसकी एसीडीएसी। अब हम देखेंगे इसकी एसीडीएसी के सामान्य लक्षण या इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। एसीडीएसी को सामान्यतः या जनरली हम क्या कहते हैं, सी स्क्वर्ट्स। सी स्क्वर्ट्स, स्क्वर्ट्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी बैलून को हम प्रेस करें और उसका पानी जर्क से बाहर आए, तो इस तरह से इसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, इसलिए हम इसको कहते हैं सी स्क्वर्ट्स। अब नोटोकोड इनकी बॉडी में कहाँ मिल रहा है, अभी हमने डिस्कस किया नोटोकोड कहाँ मिलता है, इसकी लार्वा की टेल में। तो नोटोकोड एंड पोस्ट एनल टेल फाउंड इन लार्वा स्टेज ओनली, यानी कि पोस्ट एनल टेल जो कि किसका कैरेक्टर है, हमारे कॉर्डेट का सामान्य लक्षण है, कॉर्डेट का एक बेसिक कैरेक्टर है, और नोटोकोड की उपस्थिति जो भी एक कॉर्डेट का एक बेसिक कैरेक्टर है, तो वो कहाँ मिल रहा है, इसकी लार्वल अवस्था में या लार्वल स्टेज में, और वो भी प्रेजेंस कहाँ है उसकी नोटोकोड की, उसकी टेल के अंदर। इसका नेचर कैसा है, ये मैराइन है, सॉलिटरी या कॉलोनियल, अकेला भी रह सकता है और झुंड में भी पाया जा सकता है। और एडल्ट इसके कैसे हैं, सिसाइल, जबकि लार्वल फॉर्म्स कैसा है, फ्री स्विमिंग। ट्यूनिक कंपाउंड ऑफ अ सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ ट्यूनिसिन, तो इसकी जो बॉडी है उसका कवच, या इसको कवर कह सकते हैं या शीत कह सकते हैं, वो किससे कवर्ड है, किससे ढका रहता है, एक ट्यूनिसिन नाम के सेलुलोसिक कंपाउंड से। इसकी बॉडी के अंदर दो ओपनिंग होती है, वन जिसको हम कहते हैं इनहेलेंट एंड दूसरे को हम कहते हैं एक्सहेलेंट साइपोन। इनहेलेंट मतलब बॉडी के अंदर आने के लिए, एक्सहेलेंट यानी कि बॉडी का जो भी वेस्ट है उसको बाहर भेजने के लिए। अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप का है, ये कैसे एनिमल्स है, ये हर्मोफ्रोडाइट जंतु यानी कि नर और मादा के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक ही जंतु में मिलते हैं, एक ही एनिमल्स में मिलते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, हर्मोफ्रोडाइट। खाने का तरीका इनका क्या है, ये कैसे हैं, फिल्टर फीडर्स हैं। इनको हम दो ऑर्डर्स में डिवाइड कर रहे हैं, एंट्रोगोना एंड प्लूरोगोना। सेकेंड क्लास इसकी है थेलिएसी। थेलिएसी के जो एनिमल्स है उनका जो शेप कैसा होता है, बैरल जैसा, बैरल शेप होता है, यानी कि एक तरह से ढोल के समान। ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर जो इनहेलेंट और एक्सहेलेंट साइफोन होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं, अपोजिट एंड पे, यानी कि एक अगर माउथ की तरफ है तो दूसरा उसकी टेल की तरफ होगा। जबकि इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें जो इनहेलेंट और एक्सहेलेंट साइफोन एक ही साइड में बॉडी के पाए जाते हैं। इसमें टू जनरेशंस पाई जाती है थेलिएसी में। एक जनरेशन तो सोलिटरी होती यानी कि अकेले रहना पसंद करती है, और दूसरी जनरेशन में क्या होता है कि सारे जो इसके एनिमल्स से एक चेन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि मोतियों की माला है वैसे, आपस में चेन में जुड़ के एक कॉलोनी या झुंड बना कर रहते हैं। इसके थ्री ऑर्डर्स हैं, पायरोसोमिडा, डोलियोलिडा और सल्पिडा। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर को हम देखें और इसका एग्जांपल देखें, तो पायरोसोमिडा तो उसका एग्जांपल क्या है, पायरोसोमा। डोलियोलिडा तो उसका एग्जांपल क्या है, डोलियोलम। सल्पिडा तो उसका एग्जांपल क्या है, सल्पा। तो यहाँ पर आप इसके देख सकते हैं ये तीनों इसके, ये पायरोसोमा है, देन ये डोलियोलम है, और लास्ट में जो नीचे है वो क्या है, सल्पा। इसकी थर्ड क्लास है लार्वेसी, जिसको हम अपेंडिकुलरिस भी कहते हैं। तो इन एनिमल्स को या इसके अंदर जो भी जंतु हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, लार्वेशियंस और अपेंडिकुलेरियंस। ये जनरली कैसे फॉर्म्स हैं, प्लांक्टोनिक। प्लांक्टोनिक यानी कि प्लांक्टन्स वो छोटे जंतु या छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी की सतह के आसपास रहते हैं और जिनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लांक्टन्स। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इसकी साइज़ किस तरह की है। दूसरा, इनका आकार, इनका शेप साइज कैसा होता है, इनकी बॉडी के अंदर ओवल ट्रंक यानी कि अंडाकार इसकी जो धड़ होता है, और इसके अंदर एक लंबी सी टेल पूछ पाई जाती है, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको, इसकी जो बॉडी है, इसका जो शरीर है वो किससे कवर्ड होता है, एक जिलेटिनस लेयर, जिलेटिन जैसी एक लेयर से इसका जो पूरा बॉडी एक कवच के रूप में कवर्ड होती है, लेकिन ये जिलेटिन लेयर उसकी टेल में नहीं पाई जाती है। इसको हमने फर्दर टू ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, एंडो स्टाइलोफोरा और पोलिस्टाइलोफोरा, जिसके एग्जांपल है एपेंडिकुलेरिया एक्सेप्ट्रा। नेक्स्ट और लास्ट सब फाइलम जो हमारा है प्रोटोकॉर्डेटा का, उसको हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डेटा।
सिफेलोकोडेटा एक स्पेशल ग्रुप है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट एडवांस प्रोटोकोडेट्स, यानी कि जितनी भी प्रोटोकोडेट्स की अभी हमने क्लास डिस्कस की उसमें जो सबसे एडवांस है वो कौन है? सिफेलोकोडेटा। अब सिफेलोकोडेटा का दूसरा मीनिंग क्या है? सिफेलो मतलब हेड, कोडेटा मीन्स कोड, यानी कि जो नोटोकोड है इसकी बॉडी में कहाँ पाया जा रहा है? हेड से शुरू है, यानी कि हेड से नोटोकोड स्टार्ट है और कहाँ तक जाता है? वो उसकी टेल तक, यानी कि इसकी पूरी बॉडी के अंदर सिर से लेके इसकी पूंछ तक नोटोकोड पूरी लाइफ में बना रहता है और परसिस्टेंट है, यानी कि हमेशा पाया जाता है और वेल डेवलप्ड है। दूसरा, इसकी बॉडी में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं जो कि अप टू 100 संख्या में हो सकते हैं, यानी कि न्यूमरस गिल स्लिट्स आर फाउंड इन सिफेलोकोडेट्स। नेक्स्ट इसे डोर्सल नर्व कोड, इसके अंदर डोर्सल नर्व कोड पाई जाती है एंड पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, यानी कि फेरेंजियल गिल स्लिट, नोटोकोड, नर्व कोड, पोस्ट एनल टेल, जो भी ये हमारे क्या है बेसिक या फंडामेंटल कोडेड कैरेक्टर्स हैं, तो ये वेल डेवलप रूप में इस ग्रुप के अंदर या इस फाइलम में जिसको हम सिफेलोकोडेटा है इसमें पाए जाते हैं। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये सबसे एडवांस्ड प्रोटोकोडेट है। रहने की हैबिटेट ये कहाँ मिलता है? ये मैराइन एनिमल्स है। हमने पढ़ा जितने भी प्रोटोकोडेट्स एनिमल्स हैं वो सारे कहाँ मिलते हैं? मैराइन एनवायरमेंट में, समुद्र में। नेक्स्ट जो इसका शेप साइज अगर बात करें हम सिफेलोकोडेटा की, तो इसका अपीरेंस अगर आप देखेंगे तो कैसा लिखेगा ये? फिश लाइक अपीरेंस, मछली जैसा। लेकिन ये फिश कैसे नहीं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको? क्योंकि इसके अंदर पेयर्ड फिन्स मौजूद नहीं हैं जो कि फिश में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इसके अंदर कैसा है? एक्सटर्नल, यानी कि जो निषेचन है वो कैसा है? पानी के अंदर होता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी जो कैरेक्टर है सिफेलोकोडेटा की वो क्या है? मेटामेरिज्म फाउंड। तो मेटामेरिज्म का मतलब ये है कि बॉडी का खंडों में विभाजन होना या एक खंडों में रिपीटेशन होना। तो मेटामेरिज्म आपने पढ़ा था पहले लास्ट ईयर में, किसका मेन कैरेक्टर है? एनिलिडा का। देन आर्थोपोडा में भी हमने देखा था, और कॉडेट का भी ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेटामेरिज्म, जो सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? सिफेलोकोडेटा में। नेक्स्ट आता है इसका परिसंचरण तंत्र, या जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका क्लोज टाइप है, जो कि एक एडवांस फीचर है, और आगे जितने भी कॉर्डेट्स हम एनिमल पढ़ेंगे उन सब में, जैसे हम अपनी बात कर लें तो हमारे अंदर क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि एक एडवांस कैरेक्टर है। इसकी बॉडी में पिगमेंट्स कौन सी मिलती है? हीमोसाइनिन पिगमेंट मिलती है इसकी बॉडी में। नेक्स्ट, अगर आप फर्दर इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इसकी एक सिंगल क्लास है जिसको हम कहते हैं लेप्टोकार्डी या लेप्टोकार्डिया। क्लास लेप्टोकार्डी या लेप्टोकार्डिया का जो हम जनरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है स्मॉल हार्ट, यानी कि छोटा हृदय। लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर एज इट इज़ एक ट्रू या सही मायने में जिसको हम हार्ट कह सकते हैं कि ये हार्ट है, वो प्रेजेंट नहीं होता है, नो ट्रू हार्ट प्रेजेंट। उसके बदले में अ सिंगल पल्सेटिंग वेसल मौजूद होती है। सिंगल पल्सेटिंग वेसल यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है, धमनियाँ होती है, उसको संकुचन की उसमें क्षमता है। तो पल्सेटिंग वेसल, तो वो किसका वर्क करती है? हार्ट की तरह। दूसरा, इसका जो ब्लड है वो कैसा है? कलरलेस ब्लड है। इसकी बॉडी में कोई ब्रेन नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये किसका मेंबर है? प्रोटोकोडेटा का, जिसको हम एक रेनेटा भी कहते हैं। एक रेनेटा का मतलब यही हुआ कि जिसकी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर हेड या क्रेनियम या स्कल मौजूद नहीं है। तो हेड नहीं है तो ब्रेन भी प्रॉपर इसकी बॉडी में नहीं पाया जाता है। साथ ही ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन एंड लिम्स आर एब्सेंट, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर कोई उत्सर्जन अंग नहीं है, और न ही इसकी बॉडी में कोई लिम्ब है। लिम्ब के मतलब होता है इसके हाथ पांव या जो भी फिन्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। सेकेंडली, बैकबोन इज नोटोकोड, यानी कि बैकबोन जिसको हम कहते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी, वो किस फॉर्म में मिल रहा है इसके अंदर? नोटोकोड की फॉर्म में मिल रहा है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस जो है वो बहुत ही वेल स्टडीड एनिमल है, इसको काफ़ी पढ़ा जाता है, क्योंकि इसके जो बेसिक कोडेड कैरेक्टर से वो सारे इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसकी स्टडी जनरली हर जगह होती है। इस इमेज में आप इसको देख सकते हैं कि इसकी इमेज आप बिल्कुल वैसी दिख रही है आपको, जैसी हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कोडेड्स, जहाँ पे हमने 3 बेसिक कोडेड कैरेक्टर्स को बताया था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर इसका क्या है?
डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, उसके नीचे नोटो कॉर्ड है एंड सबसे नीचे आप देख रहे हैं इसका घट या इसका फेरेंजियल गिल स्लिट है यहाँ पर, जो किसके अंदर मौजूद है, इसकी आहार नाल में। तो तीनों बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स किस में पाए जाते हैं, एम्फियोसिस में, यानी कि सिफेलोकॉर्डेट में। इसलिए हम कहते हैं कि सिफेलोकॉर्डेट सबसे एडवांस्ड कॉर्डेट्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। यहाँ पे हमारा प्रोटोकॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होते